हम जानते हैं कि YouTube की कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक मिलने से क्रिएटर्स को निराशा और परेशानी हो सकती है। हमें पता है कि क्रिएटर्स जानबूझकर नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। वे स्ट्राइक की परेशानी से उभरकर बेहतरीन कंटेंट बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देने और इनका उल्लंघन होने पर मिलने वाली चेतावनियों से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के विकल्प उपलब्ध कराए हैं। चलिए अब इन सभी विकल्पों के बारे में बात करते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके और आपके चैनल के लिए इन विकल्पों की क्या अहमियत है। सबसे पहले हम आपको कम्युनिटी दिशा निर्देशों के बारे में फटाफट जानकारी देना चाहते हैं। YouTube के कम्युनिटी दिशा निर्देशों में यह बताया गया है कि YouTube पर किस तरह का कंटेंट अपलोड करने की अनुमति है और किस तरह का नहीं। कम्युनिटी दिशा निर्देश कई तरह के होते हैं, जैसे किसी दूसरे के नाम पर काम करने के खिलाफ बनी नीति, बच्चों की सुरक्षा के लिए बनी नीति, उत्पीड़न के खिलाफ बनी नीति वगैरह। ये नीतियाँ YouTube पर मौजूद सभी तरह के कंटेंट पर लागू होती हैं और हमारी कम्युनिटी को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। चलिए अब इस बारे में बात करते हैं कि YouTube के कम्युनिटी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर क्या होता है और आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं। हम जानते हैं कि गलतियाँ हो जाती हैं और ज्यादातर क्रिएटर्स जानबूझकर हमारी नीतियों का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए हमने कुछ नियमों के साथ एक सिस्टम बनाया है। इनसे यह पक्का किया जा सकेगा कि क्रिएटर्स को अपनी गलतियों से सीखने के मौके मिल पाए और वे पेनल्टी की चिंता किए बिना वीडियो बनाने के बेहतर फैसले ले पाए। हमारी किसी कम्युनिटी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर आपको सबसे पहले एक चेतावनी मिलेगी। चेतावनी मिलने के बाद यह देखा जा सकता है कि आपने किस नीति का उल्लंघन किया है और आपको आगे कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे। आपके पास तीन विकल्प होंगे। पहला विकल्प, जिस नीति का आपने उल्लंघन किया है उसके बारे में ट्रेनिंग लें। इससे आपके चैनल पर मिली चेतावनी 90 दिनों के बाद हट जाएगी। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि इस समय अवधि के दौरान उसी नीति का उल्लंघन फिर से ना हो। दूसरा विकल्प, अगर आपको लगता है कि आपने उल्लंघन नहीं किया है तो चेतावनी के खिलाफ अपील करें। या तीसरा विकल्प, कुछ ना करें। इससे ये चेतावनी आपके चैनल पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। ध्यान दें कि इन विकल्पों को अपने हिसाब से चुना जा सकता है। ट्रेनिंग लेने के साथ साथ अपील भी की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपकी अपील अस्वीकार की जाती है तो आपको ट्रेनिंग लेने का विकल्प अब भी मिल सकता है। अपील करने का विकल्प ना चुनने या अपील स्वीकार ना होने वाले मामले में हम क्रिएटर्स को ट्रेनिंग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ट्रेनिंग लेने के कई अतिरिक्त फायदे हैं। ऐसा करने से चैनल पर मिली चेतावनी हट सकती है। साथ ही कम्युनिटी दिशा निर्देशों की किसी अलग नीति का उल्लंघन करने पर भी आपको सिर्फ चेतावनी ही मिलेगी। इससे आपको आने वाले समय में अकाउंट पर लगने वाली पाबंदियों से बचने और उनके बारे में जानकारी पाने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यह प्रोसेस कैसे काम करता है। मान लें कि आपने हमारी किसी कम्युनिटी दिशा निर्देश का पहली बार उल्लंघन किया है। आपको एक चेतावनी मिलेगी और इसके साथ तीन विकल्प भी मिलेंगे। अगर आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली है और आपने 90 दिनों के अंदर कम्युनिटी दिशा निर्देशों की किसी भी नीति का उल्लंघन नहीं किया है तो आपके चैनल पर मिली चेतावनी हट जाएगी और चैनल की स्थिति फिर से अच्छी हो जाएगी। अगर आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली है और आपने 90 दिनों के अंदर कम्युनिटी दिशा निर्देशों की किसी अलग नीति का उल्लंघन किया है तो आपको एक और चेतावनी मिलेगी। साथ ही जिस नीति का अब उल्लंघन हुआ है उससे जुड़ी नई ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा। अगर ट्रेनिंग लेने का विकल्प नहीं चुना जाता और कुछ नहीं किया जाता है तो फिर से किसी भी नीति का उल्लंघन होने के बाद आपके चैनल पर कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक भेजी जाएगी। ध्यान दें कि चेतावनी मिलने के बाद अगर 90 दिनों के अंदर फिर से वही नीति का उल्लंघन होता है तो आपके चैनल पर कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक भेजी जाएगी, भले ही आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली हो। ध्यान रखें कि अगर आपने पहले कोई कार्रवाई न करने का फैसला लिया था लेकिन बाद में आपका इरादा बदल जाता है तो आपके लिए चेतावनी के खिलाफ अपील करने या ट्रेनिंग लेने का विकल्प हमेशा मौजूद रहेगा। आइए समझते हैं कि कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक मिलने पर क्या होता है। अगर चैनल पर पहली बार स्ट्राइक मिलती है तो उसकी समीक्षा करने के एक हफ्ते तक ये काम नहीं किए जा सकते। कोई वीडियो अपलोड करना, लाइव स्ट्रीम करना या चैनल में कुछ खास बदलाव करना। एक हफ्ते के बाद सभी सुविधाएं अपने आप फिर से चालू हो जाएंगी। हालांकि चैनल पर स्ट्राइक 90 दिनों तक बनी रहती है। अगर पहली स्ट्राइक के 90 दिनों के अंदर आपके चैनल पर दूसरी स्ट्राइक भेजी जाती है तो आपको 2 हफ्तों तक वीडियो अपलोड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर इस दौरान कोई और समस्या नहीं आती है तो 2 हफ्ते बाद सभी सुविधाएं अपने आप फिर से चालू हो जाएंगी। हर स्ट्राइक की समय सीमा उसे जारी किए जाने के 90 दिनों बाद खत्म हो जाएगी।
अगर आपके चैनल पर 90 दिनों के अंदर 3 स्ट्राइक भेजी जाती हैं, तो चैनल को YouTube से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। हमें पता है कि क्रिएटर्स जानबूझकर दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करते हैं, साथ ही हम आपकी मदद करना चाहते हैं ताकि आप फिर से बेहतरीन कंटेंट बना पाएं। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस सिस्टम की मदद से क्रिएटर्स हमारे कम्युनिटी दिशा निर्देशों के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। इससे आने वाले समय में दिशा निर्देशों का उल्लंघन रोकने और हमारी YouTube कम्युनिटी को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। कम्युनिटी दिशा निर्देशों और इन्हें लागू करने के बारे में ज्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।